असलम स्टूडेंट्स कैप सिक्स एम एफ चैप्टर फोटीन हमने स्टार्ट किया हुआ था नाम हमने रखा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कि एक बिज़नेस को कुछ फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं उनको कैसे मैनेज करना है वो हम सीख रहे हैं और उसमें हम जो सीख रहे हैं अभी तक हम फ़ॉर एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो सीख रहे हैं फ़ॉर एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए एक हमारे पास टूल है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कि हमने सपोज़ फ्यूचर में कोई फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो आज हम बैंक के पास गए और उससे एक रेट जो है वो हमने एग्री कर लिया जिस पे हम फ्यूचर में क्या करेंगे फॉरेन करेंसी बाय करके पेमेंट करेंगे जब पेमेंट करनी है उस वक़्त जो मर्जी रेट हो मार्केट में हमने जो एग्री कर लिया बैंक और आप दोनों उसके अकॉर्डिंगली बाउंड हो जिसकी टर्म्स फिक्स हैं क्वांटिटी फिक्स है रेट फिक्स है, है और टेन्योर फिक्स है दोनों पार्टी उसके अकॉर्डिंगली चलेंगी या दूसरा टूल हमने पढ़ा कि अगर बैंक भाव ज्यादा खाने लग गया या बैंक ने फॉरवर्ड देने से इनकार कर दिया तो फिर हम अपना फॉरवर्ड बना लेंगे और वो अपना फॉरवर्ड कैसे बनाएंगे थ्रू मनी मार्केट हैज मनी मार्केट हैज और क्या हमने देखा था मनी मार्केट हेज में कि अगर हमने सपोज फ्यूचर में कोई फॉरन करेंसी की पेमेंट करनी है सो मनी मार्केट हेज की हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर कोई दो क्वेश्चन अच्छे हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर भी किए थे जिसके ऊपर कमिंग अटेम्प्ट में क्वेश्चन भी हाईली एक्सपेक्टेड है सो मनी मार्केट है कि अगर हमने कोई करनी है फॉरेन करेंसी पेमेंट फॉरेन करेंसी पेमेंट इन फ्यूचर है तो हमने कोई चार स्टेप्स अपने देखे थे कि हम क्या करेंगे सबसे पहले नंबर वन हम क्रिएट करेंगे क्या फॉरन करेंसी एसेट सो क्या क्रिएट करेंगे फॉरन करेंसी एसेट और क्या करेंगे नंबर टू हम इसमें डिपॉजिट करेंगे आज एक इतनी फॉरेन करेंसी अमाउंट के जब हमने पेमेंट करनी है उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट लगने के बाद वो वो अमाउंट हो जाए जो हमने पे करनी है सपोज हमने दस हज़ार डॉर पे करने हैं इन फ्यूचर आफ्टर थ्री मंथ्स तो आज हम डिपॉजिट करेंगे सपोज नाइन्टी नाइन नाएट हंड्रेड डॉलर एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में ताकि तीन माह का इंटरेस्ट लगने के बाद वो कितने बन जाएंगे दस हजार जो हमने पे करने हैं और ये जो डिपॉजिट करने हैं ये हम कहाँ से करेंगे नंबर थ्री हम इसको जो है वो ट्रांसफर करेंगे फ्राम होम करेंसी और होम से कैसे ट्रांसफर करेंगे हम बारो करेंगे इन होम और बारो करके इसके ऊपर क्या करेंगे इंटरेस्ट पे करेंगे तो कितनी अमाउंट हम बारो करेंगे कितना इंटरेस्ट पे करेंगे तुम्हारे पास एक टोटल कॉस्ट आ जाए करेगी जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन के अंदर यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स कल किया प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन सेवन किया चले आए अब हम क्वेश्चन एट कवर करते हैं और उसके बाद आगे और बातें करेंगे मनी मार्केट हैज के अंदर ही क्वेश्चन नंबर एट में अगर आप लोग आए क्वेश्चन नंबर एट आपको मिलेगा करना क्या आपको कैलकुलेट एंड कंप्यूट कॉस्ट अंडर बोथ ऑप्शन बोथ ऑप्शन मीन कि दो ऑप्शन गई हैं और आपने कॉस्ट निकालनी है हैं क्या दो ऑप्शन गई हैं स्कैंस लिमिटेड इज गोइंग टू बाय अ मशीन फ्रॉम यूके एंड हैज़ टू पे फोर मिलियन स्टर्लिंग इन थ्री मंथ्स टाइम तो कंपनी जो है वो UK से कोई फोर मिलियन स्टर्लिंग मीन पाउंड की एक मशीन जो है वो बाय करने जा रही है जिसकी थ्री मंथ्स में पेमेंट करनी है मीन फॉरेन करेंसी पेमेंट है फोर मिलियन पाउंड की स्टर्लिंग मीन पाउंड इन थ्री मंथ्स द कंपनी इज प्लानिंग टू गो फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर मनी मार्केट हैज तो दो ऑप्शन है कंपनी के पास फॉरवर्ड पर भी जा सकती है मनी मार्केट हेज पे भी जा सकती है डिटेल्स आर एज फॉलो स्पॉट रेट रुपीज पर स्टर्लिंग 84.5 टू 85 दो रेट दिए गए हैं पर स्टर्लिंग आप कहाँ पे हो रुपीस वाली कंट्री मीन पाकिस्तान में और फॉरेन कंट्री क्या है यूके जिसकी करेंसी क्या है स्टर्लिंग अब मुझे ये बताएं अगर फॉरेन करेंसी बेस है मीन वन है तो डायरेक्ट कोट है इनडायरेक्ट कोट है डायरेक्ट कोट डायरेक्ट कोर्ट में फॉरेन करेंसी बेस मीन वन होती है और इन डायरेक्ट कोर्ट में होम करेंसी बेस मीन वन होती है और अगर डायरेक्ट कोर्ट हो मीन फॉरेन करेंसी बेस हो तो उस सूरत में मल्टीप्लाई का केस होता है और पेमेंट के लिए पे मोर पे मोर कैसे निकलतेगा बड़े रेट से मल्टीप्लाई करके क्या कहला है इनडायरेक्ट कोर्ट में होम करेंसी बेस होती है उस सूरत में अगर पेमेंट करनी है तो डिवीजन का केस है तो उसमें छोटे रेट से डिवाइड करने से पे मोर निकलता है पे मोर रिसीव लेस पे मोर मल्टीप्लाई करेंगे हायर रेट से डिवाइड करेंगे लोअर रेट से रिसीव लेस अभी बात आई नहीं जब आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो फिर देखेंगे इसको कैसे कवर करना दिस मीन्स स्पॉट रेट है हमारे पास कितना 84.5 फोर पॉइंट फाइव रुपीज पर स्टर्लिंग या, और दूसरा रेट क्या है हमारे पास सेल का 85 फाइव पर स्टर्लिंग थ्री मंथ्स फॉरवर्ड रेट ओ कंपनी शायद फॉरवर्ड का भी सोच रही है तो फॉरवर्ड का रेट भी दिया गया और उसके बाद आपके पास दिया गया जी यूके का बोरिंग और डिपॉजिट का रेट तो फॉरेन करेंसी अकाउंट में आपने क्या करना है डिपॉजिट करना है तो उसका डिपॉजिट का रेट लोगे ना सिर्फ सेवन परसेंट इसका बारह वाला रेट काट दो और पाकिस्तान का आपके पास बोरिंग और डिपॉजिट रेट है तो होम में आपने क्या करना है बारह करना है तो इसका बारह वाला रेट लो फोर्टीन और इसका डिपॉजिट वाला रेट काट दो कंप्यू कैलकुलेट एंड कंपेयर कॉस्ट अंडर बोथ ऑप्शन दोनों ऑप्शंस की आपने क्या करना है कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करके कंपेयर करनी है कंपेयर करके बताना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो चीपर है तो पहले मनी मार्केट हेज की तरफ आ जाते हैं क्या कहला मनी मार्केट हेज में आए तो फॉरेन करेंसी एक्सेट आपने क्रिएट करना है डिपॉजिट करनी है एक अमाउंट जो तीन माह का इंटरेस्ट लगने के बाद कितनी बन जाए फोर मिलियन पाउंड बन जाए तो क्या करेंगे हम फोर मिलियन डिवाइडेड बाय वन प्लस इंटरेस्ट रेट क्या है डिपॉजिट का डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट देखिएगा कितना सेवन परसेंट है क्या क्या है पॉइंट ज़ीरो सेवन इंटू थ्री बाई ट्वेल्थ जरा मुझे ये अमाउंट बता दें जो आप डिपॉज़िट करोगे कितने पाउंड आज डिपॉज़िट करोगे कि थ्री माह का इंटरेस्ट लगने के बाद वो फोर मिलियन बन जाए तो ये बन गया थ्री नाइन थ्री वन टू ज़ीरो फोर पाउंड थ्री नाइन थ्री वन टू ज़ीरो फोर थ्री नाइन थ्री वन टू जीरो फोर क्या कहला क्या, क्या करेंगे इसको हम होम से ट्रांसफर करेंगे दिस मीन होम कंट्री में अब इसको कन्वर्ट करेंगे और केस आपके पास मल्टीप्लाई का है या डिवीजन का है मल्टीप्लीकेशन का केस है क्या कहला है तो पे मोर बड़े रेट से मल्टीप्लाई करोगे और बड़ा रेट क्या है 84.5 या एटी एटी फाइव तो क्या करोगे इसको एटी फाइव से मल्टीप्लाई कर दोगे सो so, क्या है आपके पास जी पाउंड थ्री नाइन थ्री वन टू ज़ीरो फोर इंटू एटी फाइव कर दो तो आपके पास आगे रुपीज़ जो आपको ट्रांसफ़र करने हैं रुपीज़ कितने बने डबल थ्री फोर वन फाइव टू डबल थ्री फोर वन फाइव टू थ्री फोर जीरो कैलकुलेट करके देखें प्लीज़ यही अमाउंट बन रही है डबल थ्री फोर वन फाइव टू थ्री फोर जीरो देखिएगा यही अमाउंट बन रही है अब क्या करना है हमने बारो करना है तो बारो हम जो है वो करेंगे सर कितने यही डबल थ्री फोर वन फाइव टू थ्री फोर जीरो और इस पर हम क्या करेंगे इंटरेस्ट भी पे करेंगे क्या क्या है तो टोटल कॉस्ट निकलेगी इसको डायरेक्ट भी आप कॉस्ट अगर निकालना चाहो तो यू डायरेक्ट भी आप कॉस्ट निकाल सकते हो बजाय इसके कि बारो आप अलहदा लिखो इंटरेस्ट आप अलहदा लिखो आप क्या करते हो डायरेक्ट भी कॉस्ट निकाल सकते हो डायरेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है देखिएगा डबल थ्री फोर वन फाइव टू थ्री फोर जीरो इंटू वन प्लस इंटू वन प्लस और वन प्लस करके आप क्या करोगे इंटरेस्ट रेट कितना है आपका बारो करने का होम कंट्री में फोर्टीन ट्वेल्व परसेंट डिपॉजिट का रेट है और फोर्टीन पॉइंट फाइव है तो so क्या करोगे पॉइंट वन फोर फाइव और इसको फिर थ्री मंथ्स में कन्वर्ट कर दोगे तो यूँ डायरेक्ट आपके पास जो है टोटल कॉस्ट आ जाएगी देखिएगा कितनी कॉस्ट बनती है कॉस्ट देखिएगा कितनी बन रही है कैलकुलेट करें प्लीज़ थ्री फोर सिक्स टू थ्री फोर सिक्स टू सिक्स फाइव थ्री फोर सिक्स टू सिक्स फाइव थ्री फाइव सिक्स क्या कहला है थ्री फाइव सिक्स सी कॉस्ट आपके पास आ गई किसके थ्रू मनी मार्केट हेज के थ्रू अब आपने कंपेयर करना है इसको किसके साथ फॉरवर्ड के साथ क्या कहला है तो एक हेडिंग और दे दो यहाँ पे फॉरवर्ड की फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर लेते हैं जी मामने फोर मिलियन पाउंड है और थ्री मंथ्स फॉरवर्ड का रेट आपके पास दो दिए गए हैं 85.6 और 86.2 पेमेंट है पे मोर मल्टीप्लाई का केस है तो क्या करोगे 86.2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या रहा है आपके पास इसकी भी कॉस्ट आ जाएगी ज़रा बताइएगा कितनी कॉस्ट बन रही है? थ्री डबल फोर एट डबल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो थ्री डबल फोर एट डबल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो तो किस पे जाओगे फॉरवर्ड पे जाओगे या फिर मनी मार्केट हेज पे जाओगे कॉस्ट है तो क्या कोशिश होगी आपकी कम से कम हो या ज़्यादा से ज़्यादा हो कम से कम हो तो ये थ्री डबल फोर है ये थ्री फोर सिक्स है तो आप किस पे जाओगे फॉरवर्ड पे जाओगे क्या ख्याल है रिक्वायरमेंट क्या थी उसने कहा कैलकुलेट करके कंपेयर करनी है दोनों ऑप्शन तो आप इसके नीचे जो है वो थोड़ी सी अंग्रेजी लिख दोगे सो द कंपनी शुड चूज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बिकॉज इट हैज लो एस्ट कॉस्ट ऑफ कितनी रुपीज थ्री डबल फोर एट हंड्रेड थाउजेंड क्या कहला है एंड पे एक लाइन ये भी लिख दें कि आंसर क्या होना चाहिए जी यहाँ तक हमने बातें करनी कुछ कि हमने फॉरन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करना है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं जिसकी कैलकुलेशन सिर्फ एक लाइन की होती है क्या है लाएन? हाँ इसमें पंगा पड़ सकता है कि आपने मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है तो किस रेट से करना है तो इस पंगे में पढ़ने से बेहतर है दो रेट दिए गए तो दोनों पे कैलकुलेशन कर लो एक है तो फिर बात सिंपल सी है लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा डिवीजन का केस है मल्टीप्लाई का केस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट नहीं समझ में आ रही तो क्या करो एक तरफ एक करेंसी रखो एक तरफ दूसरी रखो देखो कौन क्या है एक्स क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपको पता चल जाएगा डिवीजन का केस या मल्टीप्लीकेशन का केस है ठीक हो गया अदरवाइज़ दस बारह क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड समझ आ जाएगी पता चल जाएगा हमने मल्टीप्लाई करना है तो किस रेट से करना है और डिवाइड करना है तो किस रेट से करना है चलो जी मनी मार्केट हैज हमने क्या देखा कि अगर हमें फ्यूचर में फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे नंबर वन क्रिएट करेंगे फॉरेन करेंसी एसेट उसमें डिपॉजिट करेंगे इतनी अमाउंट के इंटरेस्ट के बाद वो वो बन जाए जो हमने पे करनी है और वो अमाउंट हम कहाँ से ट्रांसफर करेंगे होम करेंसी से इसलिए उसको पहले होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे कैसे होम करेंसी से ट्रांसफर करनी है बारो करके तो हमने देखना है ये अमाउंट जो हमने बारो करनी है इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने के बाद टोटल कितनी बनेगी वो क्या होगी हमारी कॉस्ट होगी किस चीज़ की फॉरेन करेंसी पेमेंट की जो हमने करनी है चार स्टेप्स अब हम बात करने जा रहे हैं कि फॉरेन करेंसी में पेमेंट नहीं फॉरेन करेंसी में रिसीट है इन फ्यूचर तो क्या बात करने जा रहे हैं फॉरेन करेंसी पेमेंट नहीं फॉरेन करेंसी रसीट इन फ्यूचर कि हमने फ्यूचर में क्या करनी है फॉरेन करेंसी में कोई रसीट लेनी है मीन हमने कोई एक्सपोर्ट की है जिसके पैसे हमको फ्यूचर में मिलने हैं सपोज तीन माह बाद हमें दस हजार डॉलर जो है वो मिलने हैं तीन माह बाद अब पेमेंट की सूरत में हमने क्या किया था क्रिएट किया था फॉरेन करेंसी एसेट रसीट की सूरत में हम क्या करेंगे नंबर वन हम क्रिएट करेंगे फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी इधर हमने डिपॉजिट किया था एक फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर इतने पैसे के इंटरेस्ट के बाद वो उतने बांधे जितने हमने पेमेंट करनी है इधर हम क्या करेंगे फॉरेन करेंसी में नंबर टू इधर हम डिपॉजिट नहीं करेंगे बारो करेंगे फॉरेन करेंसी में उतनी अमाउंट के इंटरेस्ट पे करने के बाद वो वो बन जाए जो हमने रिसीव करना है क्या है सपोज दस हजार डॉलर की हमने रसीट है तो क्या करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे मीन नाइन्टी नाइन हंड्रेड की हम क्या करेंगे बॉरिंग करेंगे उसके साथ हम क्या करेंगे तीन माह इंटरेस्ट पे करेंगे और क्या करेंगे इंटरेस्ट प्लस वो बोरिंग मिल के वो अमाउंट बन जाएगी जो हमें रिसीव होना है अब इसलिए तीन माह हमने इंटरेस्ट अपनी पॉकेट से पे किया होगा जब हमें दस हज़ार मिलेगा तो हम क्या करेंगे वो जो नाइनटी नाइन हंड्रेड बारो किया हुआ है वो भी पे कर देंगे और बाकी जो इंटरेस्ट अपनी पॉकेट से पे किया हुआ था तीन माह वो अपनी पॉकेट में डालेंगे अब ये बारो करके करेंगे क्या बारो करके हम जो है इसको ट्रांसफर करेंगे टू होम ट्रांसफर टू होम मीन अपनी होम करेंसी में इसे कन्वर्ट करेंगे क्यों इसे हम ट्रांसफर करेंगे होम में क्यों हम क्या करेंगे इसे डिपॉजिट करेंगे अपने होम कंट्री पे और इस पे अर्न करेंगे इंटरेस्ट तो हमें पता चलेगा कि हम जो है वो टोटल फायदा बेनिफिट जो है वो कितना हुआ जी पेमेंट की सूरत में फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे उसमें पैसे डिपॉजिट करेंगे इतने के वो इंटरेस्ट के बाद वो बन जाए जो हमने पे करने हैं तो इधर हम क्या करेंगे फॉरेन करेंसी एसेट नहीं लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे मीन बारो करेंगे इतने फॉरेन करेंसी के इंटरेस्ट मिला के वो उतने बन जाए जितने हमें रिसीव होने हैं हाँ तब तक इंटरेस्ट हम अपनी पॉकेट से पे करेंगे और जब पैसे मिलेंगे तो क्या करेंगे उसे वो लोन भी पे कर देंगे मीन बारो यहाँ पे हमने क्या करना है डिपॉजिट अमाउंट नहीं यहाँ पे हमने क्या करना है लोन अमाउंट बेसिकली जो है वो निकालनी है लोन भी पे कर देंगे और बाकी जो इंटरेस्ट हमने पे किया होगा वो अपनी पॉकेट में डाल लेंगे अब वो पैसा करेंगे क्या अपनी होम कंट्री में ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करेंगे क्यों इधर होम कंट्री में हम डिपॉजिट करेंगे एक अकाउंट के अंदर और उस पर इंटरेस्ट कमाएंगे प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल देखी थी कि फ़ॉरन करेंसी का इंटरेस्ट रेट है फोर परसेंट हमारी होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट है कितना टेन परसेंट जितना हम पे कम करेंगे इंटरेस्ट और इधर ला के जब डिपॉजिट करेंगे तो उससे इंटरेस्ट कमाएंगे ज़्यादा तो ये जो इंटरेस्ट रेट के बीच में डिफरेंस है ये हमारा बेनिफिट होगा अब रिस्क क्या है फॉरेन करेंसी रिसीट इन फ्यूचर में कि आज तो रेट अच्छा है फ्यूचर में जब हमें मिलने हैं तो तब रेट कहीं कम ना हो जाए कम होने से हमारा नुकसान हो सकता है तो नुकसान को कवर करने के लिए यहां पे जो हाई इंटरेस्ट रेट हम अर्न करेंगे ये उस नुकसान को बेसिकली क्या करेगा कंपनसेट करके हमारा फाइनेंशियल रिस्क मैनेज करेगा बात समझ आती थोड़ी क्या कहला फॉरन करेंसी पेमेंट भी हो सकती है पेमेंट में मसला है फ्यूचर में रेट ज्यादा ना हो जाए तो रिसीट में क्या मसला है फ्यूचर में रेट कम ना हो जाए तो कम ना हो जाए तो इसलिए हम क्या करेंगे आज एक फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे बारो कर लेंगे और वो पैसा ला के डिपॉजिट कर देंगे कब जब हमारे कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम है तो यहाँ से हमें जो फ़ायदा होगा अगर वो इंटरेस्ट ज्यादा जो फ़ायदा दे रहा है अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होने से नुकसान भी होता है तो वो इंटरेस्ट वाला फ़ायदा उसको कवर कर जाएगा बात समझ आती थोड़ी हाँ एक क्वेश्चन कवर करते हैं मेन क्वेश्चन हमें फ़ॉरन करेंसी पेमेंट का भी मिल सकता है मनी मार्केट हज का फॉरन करेंसी रिसीट का भी मिल सकता है क्वेश्चन नंबर देखिएगा प्लीज क्वेश्चन नंबर नाइन जी क्वेश्चन नंबर नाइन डॉलर विद द मनी मार्केट इन डॉलर विद द मनी मार्केट एंड व्हाट फॉरवर्ड रेट वुड दिस रिप्रेजेंट और फॉरवर्ड का रेट भी आपने निकालना है लाइक जैसे हम कॉस्ट निकाल के इफेक्टिव रेट निकालते थे अब यहां पे बेनिफिट निकाल के आपने इफेक्टिव रेट भी निकालना है मनी मार्केट हेज का क्वेश्चन है और रसीट इन फ्यूचर होगी शायद सो अ ए कंपनी इज ऑफ लीरा टू पॉइंट फाइव मिलियन रिसीवेबल इन 90 डेज टाइम फ्रॉम आ फॉरेन करेंसी रिसीट इन फ्यूचर है फॉरन करेंसी रिसीट इन फ्यूचर है और कितने की रिसीट है अगर आप देखो तो टू पॉइंट फाइव मिलियन लीरा in 90 days mean in 3 months ठीक हो गया दिस मीन हम क्या करेंगे फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे लोन अमाउंट निकालेंगे उसको ट्रांसफ़र होम कंट्री में कन्वर्ट करेंगे और आगे फिर डिपॉजिट करके इंटरेस्ट अर्न करेंगे देखेंगे कैसे अमाउंट बनेगी और कैसे रेट निकलेगा द स्पॉट रेट द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज लीरा ऑफ वन पॉइंट फोर फोर नाइन एट टू लीरा वन पॉइंट फोर फाइव वन जीरो पर डॉलर हमारी होम कंट्री क्या है यूएसए हमारी होम करेंसी क्या है डॉलर तो बेस क्या है डॉलर मीन बेस होम करेंसी है डायरेक्ट कोट इनड कोट इनडायरेक्ट कोट डिवीजन का केस मल्टीप्लाई का डिवीजन का केस रिसीट है तो रिसीव लेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा हायर रेट से डिवाइड करना पड़ेगा क्यों पे मोर में लो रेट से डिवाइड करते थे ना तो रिसीव लेस में आपको हायर रेट से डिवाइड करना पड़ेगा और हायर रेट क्या है 1.4498 या 1.4510 1.4510 से डिवाइड करेंगे क्या क्या अंडरस्टैंड द कंपनी कैन डिपॉजिट इन डॉलर फॉर 90 डेज एट 8% per पर and can एंड कैन बारो लीरा फॉर at डेज एट annum. पर और उसने आपकी जिंदगी आसान कर दी कि आप लीरा में क्या करोगे बारो करोगे और यूएस डॉलर अपने होम कंट्री में क्या करोगे डिपॉजिट करोगे और दोनों का उसने एक एक आपको रेट भी दे दिया दोनों का उसने क्या किया आपको एक एक रेट भी दे दिया आ जाए कवर करते हैं क्या ख्याल है कवर करें आ जी सो फॉर करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करनी है हमें क्या करना है बारह करना है लोन अमाउंट निकालनी है तो लोन अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर टू पॉइंट फाइव जीरो थाउजेंड लीरा डिवाइडेड बाई वन प्लस सर इंटरेस्ट रेट जरा मुझे बताइएगा कितना है चेक करेंगे जरा इंटरेस्ट रेट कितना है इंटरेस्ट रेट कितना है आपका बारह करने का कहाँ पे फॉरेन कंट्री में सेवन परसेंट है क्या क्या सेवन परसेंट है कितने मंथ्स के लिए थ्री मंथ्स के लिए सो पॉइंट ज़ीरो सेवन इंटू थ्री बाई ट्वेल्व तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे लीरा बता दें कितने बनेंगे प्लीज़ मुझे लीरा बता दीजिएगा कितने बनेंगे कितने लीरा बन रहे हैं टू फोर फाइव सेवन डबल ज़ीरो टू टू फोर फाइव सेवन डबल ज़ीरो टू अब इसको क्या करना है हमने ट्रांसफर टू होम मीन होम कंट्री में मीन डॉलर में कन्वर्ट करना है और डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि डिवीजन का केस है और रसीट है रसीव लेस कैसे निकलेगा बड़े रेट से डिवाइड करके अदरवाइज दोनों कैलकुलेशन कर लो और देख लो जो छोटी अमाउंट बनती है वो आप अपनी यहाँ पे ले लेना मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ क्या टू फोर फाइव सेवन डबल जीरो टू डिवाइडेड बाई बड़ा रेट क्या है आपके पास दो रेट है ना सर एक वन पॉइंट फोर फोर नाइन एट है और एक वन पॉइंट फोर फाइव वन जीरो है तो बड़ा रेट क्या है वन पॉइंट फोर फाइव वन जीरो तो इससे आप प्लीज़ मुझे बता दें आपके पास डॉलर कितने बन जाएंगे तो डॉलर आपके पास बन रहे हैं वन सिक्स नाइन वन सिक्स नाइन थ्री वन सिक्स वन सिक्स नाइन थ्री वन सिक्स क्या कह रहा है वन सिक्स नाइन थ्री वन सिक्स वन सिक्स नाइन थ्री वन सिक्स यही बन रहे हैं। चेक कर लें प्लीज चेक कर लें यही डॉलर बन रहे हैं वन सिक्स नाइन थ्री वन सिक्स या वन सिक्स नाइन डबल थ्री वन सिक्स बन रहा है वन सिक्स नाइन डबल थ्री वन सिक्स बन रहा है क्या कर रहा है वन सिक्स नाइन डबल थ्री वन सिक्स यस अब क्या करना है हमने इसे डिपॉजिट करना है अपने होम कंट्री में और उस पर इंटरेस्ट अर्न करना है तो हमने क्या करना है इंटरेस्ट के बाद वाली अमाउंट निकालनी है ना कि टोटल हमें बेनिफिट होगा कितना तो क्या करेंगे हम यही वन सिक्स नाइन डबल थ्री वन सिक्स जो है हमारे पास इसको आप मल्टीप्लाई कर दो वन प्लस और होम कंट्री में आप डिपॉजिट करोगे डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट कितना है सर डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट कितना है एट परसेंट थ्री मंथ्स के लिए आप क्या करोगे डिपॉजिट करोगे क्या ख्याल है पॉइंट जीरो एट इंटू थ्री बाई ट्वेल्व तो प्लीज मुझे यहाँ से अमाउंट बता दें कितनी बन रही है अमाउंट बताइएगा प्लीज वन सेवन टू सेवन वन एट टू वन सेवन टू सेवन वन एट टू ये क्या है डॉलर उसने आपसे पूछा है इफेक्टिव रेट भी आपने बताना है इतना आपको रिसीव हो रहा है डॉलर में वो जो 2.5 मिलियन लीरा आपको थ्री मंथस बाद मिलना है तो आपको नेट में इतना रिसीव होगा अब आपने बताना है कि आपको रेट क्या पड़ेगा तो बेस क्या है डॉलर ये क्या है डॉलर तो क्या करेंगे हम नोमिनेटर में ये लीरा रखेंगे क्या क्या है कितना लीरा है आपके पास टू पॉइंट फाइव मिलियन और डी में बेस आपके पास क्या है सर डॉलर है कितनी वन सेवन टू सेवन वन एट टू तो आपके पास एक अफेक्टिव रेट आएगा प्लीज़ मुझे वो अफेक्टिव रेट बता दीजिएगा कि आपको ये ट्रांजेक्शन पड़ी किस रेट पे वन पॉइंट डबल फोर सेवन फोर वन पॉइंट डबल फोर सेवन फोर पर डॉलर जिस वक्त आप मनी मार्केट हैज में एंटर हो रहे थे उस वक्त रेट क्या चल रहा था 1.4498 1.4510 1.4510 क्या ख्याल है लेकिन आपको ये ट्रांजेक्शन किस पे पड़ी 1.4474 पे मीन ये जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस था 7% परसेंट और 8% परसेंट में इसने आपको क्या किया बेनिफिट दे दिया मीन 7% परसेंट पर आपने लोन लिया और एट परसेंट आपने डिपॉज़िट किया जी तक बात भी समझ आती हो फॉरेन करेंसी पेमेंट है तो फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करना है डिपॉजिट अमाउंट निकालनी है होम करेंसी में कन्वर्ट करना है और होम करेंसी में क्या करना है बारो करके कॉस्ट निकालनी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रसीट है तो आपने क्या करना है फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करनी है मीन एक लोन अमाउंट निकालनी है वो अमाउंट जिसका आप लोन लोगे और प्लस इंटरेस्ट करके वो अमाउंट बनेगी जो आपको रिसीव होनी है ये अमाउंट आप अपनी होम कंट्री में ट्रांसफर करके डिपॉजिट करोगे एक अकाउंट में और उस पर इंटरेस्ट कमाओगे और फायदा आपको कब होगा जब यहां का इंटरेस्ट रेट कम होगा और डिपॉजिट का आपकी होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो ये फायदा आपका फॉरेन चेंज रिस्क कवर करेगा कि अगर फॉरेन चेंज रेट फ्यूचर में कम हो जाता है जब आपको रसीट होना है तो इंटरेस्ट रेट का फायदा उसको क्या करेगा कवर कर जाएगा एक क्वेश्चन नंबर इलेवन टेन सॉरी आपको खुद से दे दूँ करने के लिए ट्राई करें प्लीज़ क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन ट्राई करें प्लीज क्वेश्चन नंबर टेन ट्राई करें प्लीज़ क्वेश्चन नंबर टेन भी शायद फॉरेन करेंसी रिसीट का ही क्वेश्चन है क्या ख्याल है क्या करना आपको वर्किंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड ये काट दें वर्ड वर्किंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड रिक्वायरमेंट क्या है वट इज द दिक्स मंथ्स डॉलर वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड रसीट यूजिंग मनी मार्केट हेच मीन छ माह बाद आपको कोई फॉरेन करेंसी में रसीट होनी है आपकी होम करेंसी शायद डॉलर है तो आपने छ माह की डॉलर की रसीट निकालनी है जैसे कॉस्ट निकालते थे अब आपने क्या निकालना है रसीट निकालनी है सी एफ ई लिमिटेड हूज होम करेंसी इज द डॉलर एक्सपेक्टेड टू रिसीव फाइव हंड्रेड थाउजेंड टका इन सिक्स मंथ्स टाइम फ्रॉम आ कस्टमर इन फॉरन कंट्री तो फॉरन करेंसी रिसीट है कितनी फाइव हंड्रेड टका फाइव हंड्रेड टका फाइव हंड्रेड थाउजेंड इन सिक्स मंथ्स क्या कह रहा तो क्या करेंगे फॉरन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे मीन टका वाला कंट्री उसका हमें इंटरेस्ट रेट चाहिए लोन अमाउंट निकालने के लिए क्या क्या ओके द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल टू द कंपनी स्पॉट रेट 15 टका पर डॉलर डायरेक्ट कोट इन डायरेक्ट कोट प्लीज अब इस पंगे में और नहीं हमें फंसे रहना मुझे प्लीज बता दें ये डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है होम कंट्री आपका डॉलर वाला है होम करेंसी आपकी बेस है तो क्या है इनडायरेक्ट कोट है डिवीजन का केस है और रेट एक ही दिया गया तो बस इसी पे डिवाइड कर देंगे क्या कहला छोटे बड़े वाले पंगे में पड़ेंगे ही नहीं सिक्स मंथ्स फॉरवर्ड रेट फिफ्टीन पॉइंट थ्री जीरो टक्का पर डॉलर क्या फॉरवर्ड में हमने जाना है नहीं उसने सिर्फ मनी मार्केट हेज का पूछा है तो फॉरवर्ड वाले को काटने की जरूरत ही नहीं है इसकी क्योंकि मनी मार्केट हेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं ये करेंसी कन्वर्ट करने के लिए स्पॉट रेट यूज करते हैं कभी भी फॉरवर्ड रेट यूज़ नहीं करते बोरिंग इंटरेस्ट रेट होम कंट्री का और डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट होम कंट्री का तो होम कंट्री में आपने क्या करना है बारो करना है डिपॉजिट करना है डिपॉजिट करना है तो बारो वाला फोर परसेंट काट दें आपको थ्री परसेंट सिर्फ यूज़ करना है यहाँ पे और फॉरेन कंट्री का आपने बारो करना है तो एट परसेंट इंटरेस्ट आप यहाँ पर यूज़ करोगे उसका डिपॉजिट वाला काट दें क्या कह रहा है सो लोन अमाउंट निकाल लें सर लोन अमाउंट देखिएगा कैसे निकलेगी फाइव हंड्रेड थाउजेंड टका डिवाइडेड बाय वन प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है आपके पास सर आपके पास इंटरेस्ट रेट कितना है बॉरिंग करने का फॉरेन कंट्री में एट परसेंट क्या ख्याल है पॉइंट ज़ीरो एट और अब प्लीज़ थ्री मंथ्स नहीं हैं सिक्स मंथ्स हैं तो इंटू सिक्स बाय ट्वेल्व कीजिएगा इस पॉइंट एट को तो उसके बाद आपके पास आएगी वो अमाउंट जो आपको लोन लेके होम कंट्री में ट्रांसफ़र करके डिपॉजिट करनी है और वो आगे कितनी फोर एट ज़ीरो 769 सिक्स नाइन टका क्या कहला टका इसको होम करेंसी में आपने कन्वर्ट करना है तो क्या किया आपने जी फोर एट जीरो सेवन सिक्स नाइन डिवीजन का केस है क्यों डायरेक्ट कोर्ट नहीं इनडायरेक्ट कोर्ट है क्यों होम करेंसी बेस मीन डॉलर वन है क्या कहला है ना पता चले तो क्या करो सिंपली ये बना लिया करो आप इक्वेशन के एक तरफ जो है वो डॉलर है एक तरफ जो है वो टका है और उसने कहा डॉलर वन है टका जो है वो कितना फिफ्टीन रेट दिया गया था क्या ख्याल है फिफ्टीन है और आपके पास टका फोर एट ज़ीरो सेवन सिक्स नाइन है एक्स आपने फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कह रही है फ़िफ्टीन एक्स इंटू फोर एट ज़ीरो सेवन सिक्स नाइन तो एक्स इज़ इक्वल टू फोर एट ज़ीरो सेवन सिक्स नाइन बाई फिफ़्टीन हो जाएगा तो सिंपली इस इसको डिवाइडेड बाई फिफ्टीन कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा डॉलर आ जाएंगे प्लीज़ मुझे डॉलर बता दें कितने आए आपके पास थ्री टू ज़ीरो फाइव वन अब इसने हमें क्या करना है होम कंट्री में ला के इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करना है तो क्या करेंगे फोर ए ना थ्री टू ज़ीरो फाइव वन इंटू वन प्लस होम कंट्री में डिपॉजिट करेंगे डिपॉजिट का रेट क्या है होम कंट्री में आपका कितना थ्री परसेंट क्या कहला है थ्री परसेंट पॉइंट ज़ीरो थ्री इंटू सिक्स बाई ट्वेल्व तो आपके पास जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा रसीट आ जाएगी वो रसीट मुझे बता दें कितनी है वो रसीट कितनी है थ्री टू फाइव थ्री टू डॉलर ये क्या है आपकी रसीट और यही आपका आंसर है जी यहाँ तक की बातें समझ आती हूँ फॉरेन करेंसी पेमेंट इन फ्यूचर है तो मनी मार्केट हैज चार स्टेप्स क्या हैं फॉरेन करेंसी रसीट इन फ्यूचर है तो मनी मार्केट हैज के चार स्टेप क्या हैं बी केयरफुल कमिंग एटेप्ट में मनी मार्केट हैज का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है पेमेंट भी हो सकता है रिसीट भी हो सकता है एक क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिएगा प्लीज़ सर आप जी क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिएगा क्या कह रहा है विच इज़ द चीपेस्ट मैथड फॉर टबानी पी एल सी चीपेस्ट मैथड बताने आपको इसमें काफ़ी सारे मैथड होंगे जैसे ये क्वेश्चन था इसमें फॉरवर्ड भी था और हमारे पास मनी मार्केट हैज भी था तो हमने बता दिया चीपेस्ट कौन सा है तो इसमें देखना पड़ेगा चीपेस्ट कौन सा है ट्राई करेंगे ज़रा खुद से एक दफ़ा एक मेथड शायद लीड पेमेंट आ रहा है लीड पेमेंट का मतलब क्या है कि अभी हम जो है वो पेमेंट कर दें बारो करके क्वेश्चन नंबर इलेवन एक अच्छा क्वेश्चन है एक अच्छा क्वेश्चन जी टवानी पी एल सी हैज़ बॉट गुड्स फ्रॉम यू एस सप्लायर एंड मस्ट पे डॉलर फोर मिलियन फॉर देम इन थ्री मंथ्स टाइम तो थ्री मंथ्स में फोर मिलियन डॉलर की पेमेंट है सो so, सबसे पहले आप क्या लिखो जी पेमेंट इन फ्यूचर लिख लिया करो ये क्वेश्चन के स्टार्ट में क्या आप करने क्या जा रहे हो पेमेंट इन फ्यूचर है कितनी डॉलर फोर मिलियन की और कितने टाइम में इन थ्री मंथ्स क्यों इससे क्लैरिटी आ जाएगी कि रसीट है या पेमेंट है और फिर दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि आपको करना क्या है अगर मनी मार्केट है तो क्या करना है ठीक हो गया और पेमेंट है तो पे मोर है रसीट है तो रिसीव लेस फिर रेट भी डायरेक्ट इन डायरेक्ट कोड के अकॉर्डिंगली आप देखोगे कौन सा यूज़ करना है चले जी पेमेंट इन फ्यूचर है फोर मिलियन की थ्री मंथ टाइम में द कंपनीज फाइनेंस डायरेक्टर विश टू हेज अगेंस्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड द थ्री मेथड्स विच द कंपनी यूजुअली कंसीडर आर और तीन मेथड हैं आपके पास मेकिंग लीड पेमेंट मेकिंग लीड पेमेंट का मतलब क्या है कि आज ही पेमेंट कर दें सर आज पेमेंट कैसे कर दें तीन माह बाद वाली उधार लेके बारो करके देखो आज क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट निकलेगी आपके पास आज अगर पेमेंट करते हैं तो क्या ख्याल है दूसरा क्या यूजिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड के थ्रू आप कर सकते हो और फॉरवर्ड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं एक लाइन में और तीसरा क्या है मनी मार्केट हैज मीन मनी मार्केट हैज मीन यही जो क्वेश्चन नंबर एट आपने किया था इसमें मनी मार्केट हैज और फॉरवर्ड था इसमें एक तीसरी ऑप्शन लीड पेमेंट आ गई है बस इतना सा डिफरेंस है फॉलोइंग एनुअल इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट आर यूजली करंटली अवेलेबल यूएस डॉलर आपकी होम कंट्री क्या है आपकी होम कंट्री क्या है पाउंड होगा यूके होगा क्या ख्याल है क्यों अगर आपने डॉलर में पेमेंट करनी है तो डॉलर का वन मंथ का डिपॉजिट रेट बोरिंग रेट दिया गया है आपने कितने मंथ बाद पेमेंट करनी है भाई थ्री मंथ बाद क्या ख्याल है और अगर आपने फॉरन कंट्री का एसेट क्रिएट करना है डिपॉजिट करना है तो आपको वन मंथ वाला रेट यूज करना है या थ्री मंथ्स वाला थ्री मंथ्स वाला तो ये वन मंथ वाले रेट सारे काट दें इसका कोई लिंक ही नहीं बनता क्यों हमने तीन मंथ वाले केस में है तो ये वन मंथ वाली ही नहीं काट दें उसके बाद आ गया थ्री मंथ डॉलर का डिपॉजिट और बॉरिंग रेट पेमेंट इन फ्यूचर है क्या कहला है फॉरन करेंसी एसेट क्रिएट करना है डॉलर का एसेट क्रिएट करना है तो आपको डॉलर में क्या करना है डिपॉजिट करना है तो डॉलर का थ्री मंथ्स वाला डिपॉजिट वाला रेट सेवन परसेंट यूज करेंगे टेन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट बोरिंग रेट काट दें और उसको ला के क्या करना है होम कंट्री में आपने बारो करना है वो जो डिपॉजिट करना है तो होम कंट्री आपका यूके है तो यूके का थ्री मंथ्स बॉरिंग वाला रेट आप यूज करोगे क्या फोर्टीन पॉइंट को काट दें ये बात समझ आती बाद एक्सचेंज रेट पर पाउंड दिए गए हैं होम करेंसी बेस है इनडायरेक्ट कोर्ट है डिवीजन का केस है प्लीज़ आप इस पंगे से बाहर निकल आओ होम करेंसी बेस है होम करेंसी पाउंड है बेस है इनडायरेक्ट कोर्ट है डिवीजन का केस है पेमेंट है पे मोर के लिए लोअर रेट से डिवाइड करेंगे ओके स्पॉट रेट है जी 1.8625 टू 1.8635 टू लोअर रेट से डिवाइड करेंगे लोअर रेट 1.8625 1.8635 को काट दो तो. पेमेंट है ना वन मंथ फॉरवर्ड वाले को काट दो थ्री मंथ फॉरवर्ड पे हम जाएंगे तो इसमें भी क्या करेंगे पेमेंट है तो लो रेट से डिवाइड करेंगे और वो क्या है वन पॉइंट एट डबल फोर फाइव वन पॉइंट एट फोर सिक्स ज़ीरो को काट दो फॉरवर्ड में भी यही हम यूज़ करेंगे आगे हम पहले कौन सा मैथड करना है तीन के थ्रू आपने कैलकुलेशन करनी है और आपने बताना है चीपेस्ट मैथड कौन सा है कम से कम कॉस्ट किसकी है तो मनी मार्केट हैज पहले कर लो फॉरवर्ड पहले कर लो या लीड पेमेंट पहले कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता तीनों में से जो मर्जी पहले कर लो चलो हम मनी मार्केट हैज पहले कर लेते हैं क्या करें? मनी मार्केट हैज पहले कर लेते हैं सो नंबर वन मनी मार्केट हैज मनी मार्केट हैज में हम जा रहे हैं जी नंबर वन पे और क्या करना है हमने जी क्रिएट फॉरन करेंसी पेमेंट है क्या करोगे फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी एसेट फॉरेन करेंसी एसेट और क्या करोगे डिपॉजिट अमाउंट निकालोगे क्या ख्याल है डिपॉजिट अमाउंट निकालने के लिए क्या यूज करेंगे जी सर फोर मिलियन डॉलर की जो पेमेंट हमने करनी है डिवाइडेड बाय वन प्लस डिपॉजिट करना है कहां पे डॉलर में तो डॉलर का जरा इंटरेस्ट रेट मुझे बता दें कितना दिया गया है डिपॉजिट का सेवन परसेंट क्या ख्याल है पॉइंट जीरो सेवन कितने मंथ्स के लिए थ्री मंथ्स के लिए तो प्लीज मुझे अमाउंट बता दे कितनी बनी प्लीज अमाउंट बताइएगा कितनी थ्री नाइन थ्री वन टू जीरो फोर डॉलर इसको क्या करना है होम करेंसी में ट्रांसफर करना है तो क्या करेंगे ट्रांसफर टू पाउंड क्या कहलाए पाउंड में कन्वर्ट इसको तो पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे जी थ्री नाइन थ्री वन टू ज़ीरो फोर डिवीजन का केस हमने बोला था जी है और पेमेंट है पे मोर लो रेट से डिवाइड करेंगे लो रेट प्लीज़ मुझे बता दें कितना है वन पॉइंट स्पॉट वाला रेट लेना प्लीज़ फॉरवर्ड वाला नहीं लेना वन पॉइंट एट सिक्स टू फाइव तो प्लीज़ मुझे ये ज़रा आप बता दें आपको कि पाउंड कितने बन गए ये जो डॉलर है ये पाउंड कितने बन गए जी टू डबल वन ज़ीरो सेवन वन फोर टू डबल वन ज़ीरो सेवन वन फोर अब क्या करना है बारो करके ट्रांसफ़र है ना तो बारो करके इंटरेस्ट आपने कॉस्ट टोटल निकालनी है क्या कहना है इंटरेस्ट पे करके आपने कॉस्ट टोटल निकालनी है सो so, कॉस्ट आप निकालने जा रहे हैं और कॉस्ट इसमें निकलेगी सर कैसे टू डबल वन वन फोर इंटू वन प्लस बारो होम कंट्री में बारो करना है तो उसका इंटरेस्ट रेट कितना है फोटीन पॉइंट टू फाइव पॉइंट वन फोर टू फाइव इंटू थ्री बाई ट्वेल्व तो आपके पास सर यहाँ से कॉस्ट आ जाएगी प्लीज़ मुझे कॉस्ट बता दें कितनी है टू वन एट फाइव नाइन ज़ीरो एट क्या उंड तो एक कॉस्ट आपके पास मनी मार्केट हेज के थ्रू आ गई टू वन एट फाइव नाइन जीरो एट दूसरी ऑप्शन पे चले जाओ दूसरी ऑप्शन क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं जी तो डॉलर है हमारे पास कितने फोर मिलियन के क्या कहला डिवीजन का केस है और थ्री मंथ्स के फॉलवर्ड के अगर हम जाते हैं तो डिवीजन के केस में पेमेंट पे मो, आ, मोर आएगा डिवीजन के केस में लो रेट से डिवाइड करने से और लो रेट क्या है यहाँ पे हमारे पास वन पॉइंट एट डबल फ़ोर फाइव क्या कहला है वन पॉइंट एट डबल फोर फाइव और यहाँ से आपके पास सर पाउंड आ जाएंगे ज़रा वो पाउंड मुझे बता दें कितने टू वन ट्रिपल सिक्स ज़ीरो नाइन क्या कहला है और ये क्या है आपके पास कॉस्ट आ गई सर फॉरवर्ड के थ्रू इन दोनों में स्टिपर कौन सी है फॉरवर्ड फॉरवर्ड ही चीपर नजर आ रहा है क्या कह रहा है अब आ जो आपकी नंबर थ्री ऑप्शन पे सर नंबर थ्री ऑप्शन और नंबर थ्री ऑप्शन क्या है लीड पेमेंट लीड पेमेंट क्या है कि आप आज ही पेमेंट कर दो कहां से पैसे नहीं है तो उधार लेके कितनी पेमेंट करनी है सर आपको कितनी पेमेंट करनी है वो फोर मिलियन तो इसको पहले कन्वर्ट करो आपकी होम करेंसी में ये कितना बनेगा तो होम करेंसी में कन्वर्ट करने के हम क्या करेंगे फोर मिलियन डिवीजन का केस आपके पास पॉट रेट दिया गया है पे मोर डिवीजन लोअर रेट से डिवाइड करोगे क्या वन पॉइंट एट सिक्स टू फाइव क्या ख्याल है तो आपके पास सर आगे क्या पाउंड आगे जो आपने होम करेंसी में बारो करके पेमेंट करनी है क्या ख्याल है वो पाउंड कितने बनेंगे पाउंड बताइएगा प्लीज़ टू वन फ़ोर सेवन सिक्स फ़ाइव वन टू वन फोर सेवन सिक्स फ़ाइव वन प्लीज़ एक दफ़ा कंफर्म कर दें मुझे टू वन फोर सेवन सिक्स फाइव वन अब इस पर आप क्या करो जी इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर दो इंटरेस्ट टू वन फोर सेवन सिक्स फाइव वन इंटू होम कंट्री में बारो का इंटरेस्ट रेट प्लीज़ मुझे बताइएगा क्या अप्लाई करोगे कितने मंथ्स के लिए आप ये बारो करोगे आज पेमेंट कर रहे हो जो तीन माह बाद करनी थी तो तीन माह के लिए बारो करोगे ना एक तरह का क्या कह रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी कौन सा यूज़ करोगे तीन माह वाला और तीन माह वाला इंटरेस्ट रेट क्या है आपके पास फोर्टीन पॉइंट टू फाइव परसेंट क्या कह रहा है पॉइंट वन फोर टू फाइव इंटू थ्री बाई ट्वेल्व तो प्लीज़ मुझे ये इंटरेस्ट की अमाउंट भी बता दें कितनी बनी सेवन सिक्स फाइव वन ज़ीरो तो आपके पास जो है वो यहाँ से भी एक कॉस्ट आ जाएगी पाउंड में प्लीज़ वो भी मुझे बता दें कितनी है ट्रिपल टू फोर वन सिक्स वन क्या कहला सो so, इधर से ये अमाउंट आ गई इधर से ये इधर से ये तो आप मुझे बता दें चीपेस्ट मेथड कौन सा है इन दोनों में से देखा जाए तो ये चीपेस्ट है क्या कहलाए टू वन डबल सिक्स टू वन एट फाइव तो टू वन डबल सिक्स चीपेस्ट है इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यही चीपेस्ट है क्या कहला कहलाए so क्या लिख देंगे देर फोर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज द चीपेस्ट method as it has lowest cost of pound what to double one double six six triple six 09 triple six zero nine takala two one triple six six zero nine checala. एक अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर इलेवन तो आज हमने क्वेश्चन नंबर एट किया नाइन किया टेन किया एलेवन किया ये चार क्वेश्चन प्लीज़ कोशिश करना एक दफ़ा हाथ से खुद से कवर करने स्पेशली क्वेश्चन नंबर एट और ये क्वेश्चन नंबर इलेवन क्यों पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ मनी मार्केट हैज नहीं साथ आपको कुछ और भी ऑप्शन दी जाएंगी और सब की कैलकुलेशन करनी है होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई एक और हैजिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे अभी हमने दो कवर किए हैं फॉरवर्ड और मनी मार्केट हैच नेक्स्ट में हम एक और डिस्कस करेंगे फिर हम कोई कंबाइंड क्वेश्चन तीन का मिला के भी करेंगे सो so, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ